हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड। यस, कोई एक दो स्टॉक्स नहीं, हम लोग तीन चार या फिर उससे ज़्यादा स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने वीडियो के टाइटल में भी बताया कि आप लोगों ने तुरंत अलर्ट हो जाना है या फिर आप लोगों ने सावधान हो जाना है। यहाँ पे गिरावट के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती है, बट बोलते हैं ना, एक जो प्रिडिक्शन होता है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को जो एग्जांपल देता हूँ कि बारिश गिरेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं, बट अगर घने बादल आ जाते हैं तो बारिश गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इन स्टॉक्स के ऊपर जो खतरा है वो अभी बहुत ज़्यादा मंडराते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपके ये पास स्टॉक्स है तो आप लोगों ने ज़रूर विचार करना चाहिए कि आप लोगों ने इनको कंटिन्यू रखना है भी या नहीं। मैं तो ज़रूर सोचूंगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट रहेगा तो आप लोग ज़रूर लेके निकल सकते हो। हालांकि ऐसे स्टॉक मैंने कभी आपको बताए तो नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अलर्ट रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, कौन से स्टॉक्स है वो आप लोगों ने देखना है और दूसरों की भी मदद करनी है। अगर उनके पास ये स्टॉक्स रहेंगे तो एटलीस्ट उन्होंने वो अलर्टनेस मेंटेन रखनी चाहिए कि अगर वहाँ पर कुछ 19-20 हो जाता है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उन्होंने वहाँ से टेम्पररी बेस के ऊपर क्यों ना हो चाहे तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डीमार्ट से रिलेटेड क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग को धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिली है। तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक ये वीडियो नहीं पहुँचा होगा। और दोस्तों, एक वीडियो के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा दूसरा चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके। यहाँ पे बायकॉट चाइना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कैसे हम लोगों ने हमारा योगदान देना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए बता दिया है। आप लोगों के इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। एक थोड़ी सी बात हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, बट हम लोग कभी भी ऐसी बातें कर लेते जो कि इंडिया की फेवर में हो या फिर स्टॉक मार्केट के विपरीत हो, तो ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं आता। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना और बाकी लोगों को भी शेयर कर देना, तो हम लोग छोटा सा क्यों ना हो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंडिया की तरफ ज़रूर दे पाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके, एंड उसके बाद मैं वजह भी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है कि यस, ये जेन्यून बात है जो मैंने रखी है सामने, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो या फिर अनफॉलो भी कर सकते हो, वो राइट आप लोगों के लिए ज़रूर मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला कौन सा जो स्टॉक्स है जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड। यस, बहुत ज़्यादा फेमस है ये स्टॉक, आप सभी लोग पता है, बट यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सावधानी से यहाँ पे काम करना है। अगर आप लोगों को बाय चांस प्रॉफिट भी होता होगा तो ऑब्वियसली मैं कभी आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप लोग निकल जाओ या फिर खरीद लो, बट अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं ज़रूर सोच लेता कि इस शेयर में हम मुझे यहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं जितना भी प्रॉफिट हो सके वो लेके यहाँ पे निकलने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो मैं निकालूंगा, जितना मुनाफा है मैं मार्केट में छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस मेंटेन रखने में ज़रूर बताऊँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। सो 150 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बीच में मुझे पूछा भी था कि ये स्टॉक में रहना चाहिए, तो मैं तो एटलीस्ट इसमें रहना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि हमारे जो 7 पैरामीटर्स रहते हैं, कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले 7 चीज़ें हम लोग देखते हैं, वो ये स्टॉक फुलफिल फिलहाल तो नहीं कर रहा है। बट स्टिल अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ पे जो गिरावट है शायद से और भी गहरी होने के चांसेस यहाँ पे फिलहाल बढ़ जाते हैं। मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे भागा हुआ है, तो पिछले 1 महीने में भी जब मार्केट अच्छा भागा है, ये स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो एक कम्प्लीटली मार्केट के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। जब मार्केट भाग चुका है इतना, 10,700 तक भी निफ्टी, 800 तक निफ्टी आ चुका था, स्टिल ये स्टॉक में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं आगे जाके और भी ज़ोर से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो हमेशा डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। बट अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल का आप लोग देख सकते हैं। जो रिसेंट रिजल्ट है कंपनी के, 522 रुपीज़ इन लैक्स नेगेटिव प्रॉफिट था 31 दिसंबर 2019। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर फोर की, तो वहाँ पे भी 13,000 से भी ज़्यादा का लॉस ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक से कंपनी ने यहाँ पे कर लिया है, एंड कोई भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं है। तो ऐसे कंपनी में कंटिन्यू रहना ये रिस्की हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए ये सबसे पहला स्टॉक है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि डिसीजन आप ही का रहेगा, मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, बोलते हैं ना घोड़े को पानी तक लेके जाया सकता है, बट उसने पानी पीना है या नहीं वो तो अल्टीमेटली घोड़े के ऊपर ही रहता है। सो उसके बाद सेकेंड जो स्टॉक है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस स्टॉक में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए।
बहुत सारे लोग आप लोगों को ये स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, बट मैंने आज तक कभी नहीं किया और मैं ना ही आगे भी करूँगा। चांसेस बहुत रह रहे कि इस कंपनी में देखिए छोटा मोटा उछाल आते रहता है, वहीं पे रिटेल निवेशकों की विकेट जाती है। मतलब 120 का वो 140 कभी भी हो सकता है, बट उसके बाद अगर वो गिर के 100 के नीचे गया तो फिर वो और भी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए इस स्टॉक में रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग, आदित्य बिरला फैशन जिसको आप फॉलो करते हैं, आप लोगों को बताया रहेगा, उस चैनल का नाम भी डालोगे आप लोगों को मिल जाएगा कि बताएंगे कि खरीदो करके। एंड कंसिस्टेंटली ये स्टॉक्स हम लोगों को यहाँ पे लॉस देते हुए परेशान करते रहते हैं। तो अगर हम लोग इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो कोई इतना खास नहीं, एक महीने में जहाँ पे बाकी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ये नीचे ही जा रहे, और मुझे अभी भी लग रहा है ये स्टॉक आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। मैं बातें हमेशा करता हूँ लॉन्ग टर्म की, मैं 6 महीने की आगे की सोचता हूँ हमेशा, 1 महीने 1 साल की आगे की सोचता हूँ, और आज की यहाँ पे मैं आप लोगों को इस चीज़ें बताता हूँ। सो अगर मैं बात करूँ, आज जुलाई चल रहा है, आने वाले में दिसंबर तक भी मैं बात करूँ, इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे सोच सकते हो, मैं गलत जा सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मेरे भी प्रेडिक्शन गलत जा सकते हैं, बट जो सोच है उसके मुताबिक अगर हम लोग चले, जो डेटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक अगर हम लोग चले, तो इस स्टॉक में रहना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एंड सेम चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब मार्केट भाग रहा है तब ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है। मतलब मार्केट जब गिरेगा तो सोच लेना कि इस स्टॉक में कौन लेना पसंद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रेशर है, जो बचे कुचे लोग हैं वो भी निकलने की यहाँ पे सोच सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने अलर्टनेस मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए इस स्टॉक में अगर आप है तो, यही बताने के लिए वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। 41% के आसपास यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है, जो कि हम लोग को फ्राइडे के दिन 10 जुलाई को देखने को मिला है। आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और एक स्टॉक है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि ऐसे स्टॉक में नहीं गिरना चाहिए, और उसका नाम है फ्यूचर रिटेल। बहुत ज़्यादा लोगों को वही पॉपुलर स्टॉक्स अच्छे लगते हैं जो कंसिस्टेंटली भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, मेरा कमेंट सेक्शन भरना शुरू हो जाता है। सर 100 का शेयर 150 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500 हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। कभी ना कभी आप इतना हाई लेवल पे अटकोगे, फिर वो नीचे नीचे नीचे, तो फिर कमेंट्स वापस बदलने हो जाते हैं, कैसे सेल करें, कैसे एग्जिट करें, हम लोग फंस गए। तो यही बोलना चाहता हूँ, ऐसे जो रिस्की स्टॉक होते उनमें ज़्यादा पैसा डालने का ही नहीं होता, अगर लगाने तो बहुत मिनिमम, तो फिर आप लोगों को एक्सपीरियंस रहेगा। कुछ लोग जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में 100 रुपये का लॉस लगा के एक्सपीरियंस कमा लेते हैं, और कुछ लोग उसी में अगर हम लोग देखें 1 लाख का लॉस करके एक्सपीरियंस सेम कमा लेते हैं। सो आप लोगों को किस कैटेगरी में आना है ये हमेशा याद रखो, आप चाहो तो इधर आ सकते हो, मिनिमम अमाउंट लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट यहाँ पे अगर आ जाओगे तो आपका कैपिटल भी साफ और इंटरेस्ट भी ख़त्म, और बाद में ऐसे ही लोग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ फ्यूचर रिटेल भी अगर मैं बात करूँ तो आगे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये तो अभी न्यूज़ बेस के ऊपर है, अमेजोन रिलायंस की न्यूज़ जैसे आती रहती है वैसे ये स्टॉक ऑपरेटर उसको भगाते रहेंगे, और हर रोज़ रिटेल निवेशकों का पैसा बैंक से निकालते रहेंगे। तो ऐसे स्टॉक में वही लोगों ने रहना चाहिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, वो रिस्क लेना पसंद कर सकते हैं, उनके लिए पैसा डूब भी गया तो कोई मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ ये जुआ वाले हैं, चल गया तो चल गया वरना नहीं, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो ज़रूर ऐसे स्टॉक में कंटिन्यू रह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल्स फिलहाल तो एंड टेक्निकल्स भी देखने को नहीं मिल रहे। नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूँ तो V2 रिटेल, यस दोस्तों इस शेयर में भी अगर आप हो तो मैं एक ही कहूँगा, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, यहाँ पे बच के रहना, इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। इस शेयर में भी आगे हम लोगों को आने वाले 6 महीने में और भी तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देती तो बात अलग है, बट अगर फिलहाल की नॉर्मल स्थिति की अगर हम लोग बात करें, कंडीशन की बात करें, तो इस शेयर का आगे सर्वाइवल हम लोग को और भी ज़्यादा खतरे में देखने को मिल सकता है। 1 महीने की बात करें जहाँ पे मार्केट अच्छा चला है, ये स्टॉक ने भी रिवर्सल पैटर्न में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देके अपने शेयर होल्डर को परेशान कर दिया है। तो संभाल के रहना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैसेजेस रहते हैं वो मेरे पास भी आ जाते हैं कि इस स्टॉक में पैसे लगा दो, और इन स्टॉक्स के भी नाम के लिए पैसे के लिए वो जो मैसेजेस है वो आप तक पहुँच रहे। मतलब समझ लेना कि जो बड़े ऑपरेटर्स के प्लेयर है वो क्या करेंगे, आपको ये माल डंप करके, वो पंप करके, आप सभी लोगों को पता है वो पंप एंड डंप चलता रहता है, तो आप लोगों को ये माल बिकवा देंगे और वो भी यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है कि यस मैंने V2 को फंडामेंटली एनालाइज किया है, मुझे वो कंपनी अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर कैरी ऑन कर सकते हो, मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ आप कंपनी के प्राइस देख के आ रहे हो, सिर्फ 50 रुपये का स्टॉक है तो बहुत डिफिकल्ट है। इस स्टॉक में आगे मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है, तो बहुत ही संभल के रहना। इन चारों स्टॉक्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दे के रखी है कि बहुत ही सावधान रहना है, यहाँ पे और भी ज़्यादा लॉस आप लोगों को यहाँ पे बड़ा होते हुए देखने को
मिल सकता है। हालांकि फाइनल डिसीजन हमेशा मैं आप ही के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। सो V2 रिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे क्वांटिटी खरीद रहे। पहले तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 60,000 क्वांटिटीज आए, उसमें भी 40,000 घर लेके गए हैं डिलीवरीज के बेसिस के ऊपर। 66-67% इतना ज़बरदस्त माल उठाया गया है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ संभाल के रहना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश कर सकता हूँ और इसीलिए ये मैंने चैनल आप लोगों के लिए खोल दिया है। अगर हम लोग ये सारे स्टॉक्स देखें तो ये यूजुअली रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक है। किससे? रिटेल बिजनेस। और फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मार्केट, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से रिटेल बिजनेस बहुत ज़्यादा खराब इम्पैक्ट हो चुका है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी मैंने फर्स्ट वीडियो भी बना दिया था किसका, डीमार्ट का, डीमार्ट ये रिटेलिंग का टॉप नंबर 1 कंपनी है, टॉप 15 में आने वाली कंपनी, उसके ही रिजल्ट में 85% प्लस से ज़्यादा गिरावट है। तो अंदाज़ा लगा लेना कि इन लोगों की हालत क्या होने वाली है। जैसे मैं फ़नी एग्जाम्पल हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं, वैसे एक एग्जाम्पल बता दूंगा कि एग्ज़ाम का पेपर था बहुत ही टफ था। हम लोग जब स्कूल में रहते, कॉलेज में रहते, होता है कि नहीं, टफ था। तो हम लोग आशा करते हैं चलो 100 में से 35 भी आ गए, हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग उम्मीद रखते हैं। और जो टॉपर ही रहता है उसको ही मिल जाते हैं 40 नंबर, तो हम लोगों की उम्मीदें क्या रह जाएगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे ही ये बात है कि जो ये टॉपर ही है रिटेल सेक्टर का, वही 85% से ज़्यादा डाउन है। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि इसके नीचे ये सारे स्टॉक्स आते हैं उनकी क्या हालत होने वाली है। एटलीस्ट एवेन्यू सुपरमार्ट की मैं बात करूँ तो उनमें FMCG के कुछ वो प्रोडक्ट्स बेचते थे। अगर मैं फैशन से रिलेटेड जितने भी ये स्टॉक थे जो कि कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं, आप अंदाज़ा लगा के रखना कि उनके तो बिजनेसेस कम्प्लीटली ही बंद थे, तो यहाँ पे किस टाइप की Q1 के रिजल्ट उनके आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, लॉजिक था जो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। एंड उसी लॉजिक को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में डीमार्ट जैसा स्टॉक तो सर्वाइव करेगा, बहुत ज़्यादा कैश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये स्टॉक, बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा गिरने भी नहीं देंगे। बट बाकी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग निकल लेंगे और इसीलिए आपके पास भी ऐसे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने तो आप लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की है, बट जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, क्योंकि बाय करना है या सेल करना है मैं तो आपके घर पर आके क्लिक तो नहीं करूँगा, तो अल्टीमेटली डिसीजन आप ही का रहेगा। ये वीडियो से मैं आप लोगों को अलर्टनेस मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोगों ने चौंकना होना चाहिए और अपनी खुद की एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप अनफॉलो भी कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। सो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को बता दिया कौन से स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल सकती है, वो स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिए है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो वो लोग भी वहाँ पे यहाँ पे बच पस आएंगे। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स को एग्जिट करना है तो ऐसे वो माल आपसे बिकवा भी सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।